Well guys, Motorola जो है ना काफी ज्यादा स्लो होता है अपने एंड्रॉइड का अपडेट देने के लिए। रिसेंटली आपने देखा होगा बहुत सारे डिवाइसेस के जो भी हम एक्सपेक्टेड डेट वगैरह आ रहा था वो सरासर बहुत सारे चेंजेस हो रहा था और बहुत ही डिले। वीवो ने बहुत पहले अपने डिवाइसेस पे अपडेट कर दिया था, आईक्यू ने भी बहुत पहले डिवाइसेस पे अपडेट कर दिया था, बट Motorola का बहुत ही डिले चलता है। चलो ठीक है, एक बात मान भी लेते हैं कि डिले चलता है और ब्रांड का कहना है कि हम सारे चीजें टेस्ट वगैरह करके उसके बाद में अपडेट पुश करते हैं ताकि आप जैसे और हम जैसे यूजर्स को जो है ना फोन्स को इस्तेमाल करने में दिक्कत प्रॉब्लम ना आए। बट यहीं पे Moto Edge 40 Neo के अंदर में Android 14 का जो लेटेस्ट अपडेट आया है करीबन 1.4 GB का है, जिसके बारे में ऑलरेडी शेयर किया हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा तो उसी से पता होगा। बट यहां पे ना सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम जो कि बाकी फोन पे आ रहा था, अब इस वाले फोन पे भी ये इश्यूज हमें देखने को मिल रहा है और बहुत सारे यूजर्स रिपोर्ट कर रहे हैं। मैंने भी जब इस फोन को देखा, चेक करा, तो यहां पे हमें इश्यूज वगैरह देखने को मिल रहा है। अब होता क्या है दोस्तों, आप मल्टीमीडिया यूट्यूब वगैरह देखते हो, 4K वीडियोस वगैरह वहाँ पे प्लेबैक करते हो, अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म पे आप वीडियोस वगैरह HD क्वालिटी 4K वीडियो वगैरह में प्ले करते हो। एक कॉमन सा एग्जांपल दिखा के देता हूँ, जैसे कि यूट्यूब पे आप 4K वीडियोस वगैरह देखते हो ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपडेट होने के पहले जब एंड्रॉइड 13 था Moto S 14 Neo के अंदर में, तो वहाँ पे काफ़ी स्मूथ चल रहा था। आप 2K वीडियो प्ले कर लो या फिर 4K HDR वीडियो प्ले कर लो, जो कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह था, जो डिज़ाइन वगैरह था, मतलब जो कलर एक्यूरेसी वगैरह था, काफ़ी अच्छा चल रहा था। एंड ओवरऑल जो वीडियो का वॉचिंग का एक्सपीरियंस भी ना स्मूथ चलता था, यानी कि कुछ भी इश्यूज वगैरह नहीं नजर आता। बट जैसे ही एंड्रॉइड 14 पे अपडेट हुआ, यहाँ पे 4K वीडियो पे लैग होना स्टार्ट हो चुका है। अब आपके डिवाइस में शायद 2K वीडियो का भी लैग हो सके, क्योंकि कुछ यूजर्स ने ये भी रिपोर्ट किया कि 2K वीडियो जब भी हम प्ले करते हैं तो वहां पे भी लैग देखने को मिल रहा है। बट ज्यादातर फोन पे वो इश्यू नहीं है, बट यहाँ 4K वीडियो हर एक फोन के अंदर में इश्यू आ रहा है, आपको लैग करेगा। और HDR वीडियो को जब आप प्ले करोगे तो देखो, जब वीडियो लैग करता है तो HDR भी सही से प्ले नहीं होता है। वहां पे क्या होता है, वो कलर एक्यूरेसी जो देने का है HDR वीडियो में, वो हमें देखने को नहीं मिलता। तो ये सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम बन जाता है मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के तौर पर। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो दोस्तों, जैसे वीवो का फोन हो जाए, आईको का फोन हो जाए, वहां पे भी सिमिलर केसेस हमें देखने को मिला है। जैसे एंड्रॉइड 14 का लेटेस्ट अपडेट किया, यहाँ पे 4K वीडियो हैंग लैग करने लगा, फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह काफी हद तक देखने को मिला। एंड अभी तक भी ये सभी इश्यू अदर ब्रांड्स के फोन पे फिक्स नहीं हुआ है। जितने भी Motorola के प्रीवियस अपडेट्स वगैरह प्रीवियस डिवाइसेस पे आए हैं, वहां पे भी जो इश्यूज अभी तक पिछले 1-1.5-2 महीने से जो ना ये इश्यू अभी भी चल ही रहा है। तो आई डोंट नो कब तक ये ब्रांड जा करके इश्यूज को फिक्स करेंगे। या हम तो देखो ट्वीट कर रहे हैं, आप लोग मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। एंड बाकी अगर आपके फोन में भी ऐसे कोई मेजर दिक्कत वगैरह इश्यू वगैरह फेस कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, इससे बाकी लोगों को भी हेल्प होता है। बाकी जो लोग भी 4K वीडियो ज्यादा वॉच करते हो तो अभी अपडेट मत करना, क्योंकि ये प्रॉब्लम आएगा। वरना आप नॉर्मल इश्यूज वगैरह के बारे में भी और मैं कवर कर रहा हूं अपने चैनल पे, ढेरों सारी वीडियोस अभी आने वाली हैं दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत। एंड ओवरऑल आपका अपडेट करने के बाद में एक्सपीरियंस कैसा है, जनरल एक्सपीरियंस, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, इससे काफी ज्यादा लोगों को मदद मिलता है। चलो गाइस, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।